अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज अनम री एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास सिक्स बच्चों आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर फिफ्टीन दैट इज अबाउट सिटीजनशिप राइट्स एंड वैल्यूज तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि सिटीजनशिप किसको कहते हैं सिटीजनशिप मीन्स मेंबर ऑफ एंड सपोर्टिंग वन कमुनिटी एंड कंट्री किसी भी कंट्री का सिटीजन होने का मतलब ये है कि आप उस कंट्री को सपोर्ट करते हो और आप उसके मेंबर हो अब सिटीजनशिप की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं बच्चों कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी मुल्क में पैदा हुए हो तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी सिटीजनशिप मिल जाती है कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी दूसरे मुल्क में जाते हो और आप वहाँ पे कुछ साल गुजारते हो तो उसके बाद आपको उस मुल्क की सिटीजनशिप दी जाती है अब ये डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट होती है कई बार आपको पांच साल गुजरने के बाद और कई बार आपको दस साल गुजरने के बाद ही सिटीजनशिप दी जाती है सिटीजनशिप परमानेंट भी होती है और टेम्प्ररी भी होती है यानी कि आपको कुछ अरसे के लिए भी सिटीजनशिप दी जाती है और कभी कभार आप परमानेंटली भी किसी कंट्री के सिटीजन होते हो नाउ सिटीजनशिप इन पाकिस्तान पाकिस्तानी सिटीजन कॉम्बिनेशन ऑफ वराइटी ऑफ पीपल अब आप सबको पता है कि पाकिस्तान में देर इज अ ऑफ पीपल पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, सरहदी हैं देर इज अराइटी ऑफ पीपल लेकिन वो सब है तो पाकिस्तानी सिटीजन ही ना इसके अलावा मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है देर आर ऑलमोस्ट नाइन सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट पीपल जो कि मुस्लिम है और इसके अलावा माइनॉरिटीज जो की थ्री पॉइंट फाइव परसेंट है अब माइनॉरिटीज में कौन आते हैं माइनॉरिटीज में आ जाते हैं क्रिस्टियंस बुद्धिस्ट सिख्स एंड पार्सी ये सब आ जाते हैं माइनॉरिटीज में डिफरेंसेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस अब पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उनमें और भी बहुत से फर्क है जैसे देर आर डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस यानी कि किसी के पास ज्यादा पैसा है तो किसी के पास थोड़ा पैसा है किसी का स्टेटस बहुत अच्छा है किसी का थोड़ा नॉर्मल है जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि भाई हम तो अलीट क्लास से बिलोंग करते हैं या हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं ये क्या है ये सब इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के डिफरेंसेस हैं। कि आपका सोसाइटी में क्या लेवल है पुअर एंड रिच एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड अब इकोनॉमिक डिफरेंसेस होने के अलावा भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं जैसे कि एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड होना अब कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते कुछ अमीर होते हैं कुछ गरीब होते हैं ये सारे डिफरेंसेस हैं जो कि एक ही मुल्क में रहने वाले लोगों के दरमियान होते हैं और पाकिस्तान में भी हैं ऑब्वियसली ऑल आर सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लेकिन ये सब हैं सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आपने नॉर्मली सिर्फ पाकिस्तान सुना होगा लेकिन पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्योंकि हमारे मुल्क में मेजोरिटी में जो रिलीजन फॉलो किया जाता है वो है इस्लाम ऑल ऑफ देम हैव हैव सेम राइट्स एंड सेम टू वर्ड स्टेट अब जितने भी लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं, उन सब के सेम राइट्स हैं एंड सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उनके फराइज भी हैं और हकूक भी हैं चाहे वो क्रिश्चियन हो मुसलमान हो पारसी हो या सिख हो अगर वो पाकिस्तानी सिटीजन है तो फिर सेम राइट्स सेम वैल्यूज एंड सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स देयर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए सिटीजन अब हम बात करेंगे कि एज अ सिटीजन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यानि की अगर आप एक पाकिस्तानी सिटीजन हो तो आपकी टूवर्ड्स स्टेट टूवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ओबे द रूल्स जो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि यू हैव टू ओबे द रूल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस आपकी गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी स्टेट की तरफ से जो भी रूल्स बनाए गए हैं आपने उनको उबे करना है यानी उनको मानना है उनको फॉलो करना है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे मुल्क में अमन नहीं आएगा और भी इसके अलावा बहुत सी मुश्किल आएंगी इसलिए ओबेइंग ऑफ रूल्स इज रियली नीड सपोर्ट ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके इर्द गिर्द आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है तो आपने उनकी मदद करनी है आप दूर दराज इलाके में लोगों को भी मदद कर सकते हो लेकिन बेहतर ये होता है कि सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ अगर आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं जिनको मदद की जरूरत है तो सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द के इलाके को बेहतर बनाओ सबसे पहले आप अपनी सोसाइटी को बेहतर करो हमारे मजहब में ये भी कहा जाता है कि सबसे पहला जो हक होता है वो आपके रिश्तेदारों का होता है यानी कि अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं जो कि गरीब हैं और उनको मदद की जरूरत है तो पहला हक उनका है तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है आप अपने रिश्तेदारों की मदद भी जरूर करो लेकिन फिर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके इर्द गिर्द में आपकी सोसाइटी में किसी को मदद की जरूरत है तो आप उसकी भी मदद करो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि मदद सिर्फ पैसों की फॉर्म में ही की जा सकती है मदद करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं डे टू डे लाइफ में कभी अगर आपके हमसायों को मदद की जरूरत पड़ जाए या आपके इर्द गिर्द स्ट्रे एनिमल्स की भी आप मदद कर सकते हो देन क्लीनलीनेस अब सफाई सुथराई का ख्याल रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है आपने गंद नहीं मचाना रैपर्स इधर उधर नहीं फेंकने अपनी सोसाइटी को साफ सुथरा रखना है इस चीज का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है नो डाउट नॉर्मली जिस इलाके में आप रहते हो वहां सफाई सुथराई के लिए लोग आते होंगे लेकिन अगर हम खुद इस चीज का ख्याल करना शुरू कर दें कि हमने गंद नहीं मचाना अपना गंद इधर उधर नहीं फेंकना प्रॉपर जगह पे जाके डंप करना है तो फिर काम बहुत आसान हो जाएगा वैल्यू टाइम अब टाइम को वैल्यू करना टाइम को इम्पोर्टेंस देना उसकी कदर को जानना ये सिर्फ एज ए सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है एज एन इंडिविजुअल भी ये बहुत जरूरी है कि आप टाइम को वैल्यू करो आप टाइम की कदर को समझो टाइम को जाया ना करो जो आज का काम है वो आज ही करो उसको कल पर मत छोड़ो क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यह आपकी हैबिट बन जाती है फिर आप चीजों को डिले करना शुरू कर देते हो काम आगे चला जाता है और फाइनली डेड लाइन के करीब या तो काम होता नहीं है या इतनी जल्दी में करना पड़ता है कि वो अच्छे तरीके से नहीं होता और कभी कभार नुकसान भी उठाना पड़ता है इसलिए बेहतर यही है कि आप वक्त पर अपना काम करो और टाइम की कदर करो प्रस्पेरिटी ऑफ योर कंट्री एंड लव ये आप अपनी कंट्री की प्रोस्पेरिटी के लिए काम करो आप हमेशा अपने ये जहन में रखो की आपकी कंट्री ने आपको कितना कुछ दिया है और आपने बदले में उसको क्या देना है इसलिए अच्छे से पढ़ो अच्छे से मेहनत करो अपनी कंट्री के लिए काम करो अपने मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करो और अपने मुल्क से मुहबत करो ये जरूरी नहीं होता कि इंसान बस यही सोचता रहे कि भाई मेरी जरूरत पूरी हो रही है तो ठीक है मेरा मतलब पूरा हो रहा है तो ठीक है मेरे घर में मसला नहीं है तो ठीक है अगर किसी और के घर में है भी तो दैट इज नॉट माई इशू इस तरह की सोच रखना इंतहाई गलत है आप इस बात को समझो कि अगर कोई और भी मुसीबत में है या किसी और को भी मदद की जरूरत है तो आपने उसकी मदद करनी है क्योंकि कल को आपके साथ भी मसला बन सकता है अगर हम इस चीज़ को अपनी आदत बना लें हम दूसरे लोगों का ख्याल करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी में से बहुत से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे एंड वी विल बिकम अ वेरी गुड नेशन आजकल के दौर में एक बड़ा मसला ये है कि लोग एक दूसरे का एहसास नहीं करते हर कोई सिर्फ अपना मतलब समझता है अपना मतलब देखता है और पूरा करता है अब हम बात कर लेते हैं राइट्स की वट आर राइट्स राइट्स हम कहते हैं हकूक को यानी कि जो चीज हमें मिलनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री गिव्स स्पेशल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स अब किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें ये मैंशन होता है कि सिटीजेंस को क्या क्या राइट्स हासिल हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स हाउ अ कंट्री स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स रूल्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि किसी भी स्टेट को किसी भी कंट्री को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह काम करना है इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे मूल के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें बहुत से राइट्स दिए गए हैं और हर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर अ चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब बच्चों आपको ये तो पता ही होगा कि देर वॉज अ वर्ल्ड वॉर वन और उसके बाद हुई थी वर्ल्ड वॉर टू इन 1939। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड पीस के लिए काम करती है उसने ये डिसाइड किया कि हमें एक चार्टर देना चाहिए डॉक्यूमेंट हमें एक चार्टर देना चाहिए जिसमें हम ये बताएं कि लोगों के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या हकूक हैं जो कि उनको मिलने चाहिए और क्योंकि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक मुल्क के लिए काम नहीं करती बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों के लिए काम करती है तो फिर उसने जो भी चार्टर दिया वो सारे मुल्कों पर अप्लाई होता था यानी कि उसके चार्टर में जो भी राइट्स मेंशन थे, वो हर मुल्क के हर बंदे के लिए ही थे ऐसा नहीं था कि वो किसी एक स्पेसिफिक मुल्क के लिए थे बल्कि जितने भी मुल्क इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है ऑलमोस्ट वन Countries, members of United Nations of Organization, जितने भी हैं, उन सब के लिए ये चार्टर बनाया गया था अब उस चार्टर में कौन से राइट right तो में बहुत से राइट मेंशन थे बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू राइट तो सबसे पहला राइट राइट टू थिंक एंड स्पीक यानी कि ये आपका हक है कि आप जो सोचना चाहो सोचो एंड यू कैन से इट एज वेल आजकल तो ये बात बहुत आम है फ्रीडम ऑफ स्पीच इसमें बहुत बहस होती है और आजकल के दौर में ये इसलिए भी एक मसला बनता जा रहा है क्योंकि लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं जैसे आप यूज करते हो इंस्टाग्राम यूज करना फेसबुक यूज करना यूट्यूब यूज करना ये सारी एप्स आप यूज करते हो तो ये सोशल मीडिया है अब सोशल मीडिया पर कुछ चीजें ठीक है कुछ चीजें गलत है इसलिए ये एक इश्यू बनता जा रहा है कि कुछ चीजों से रोकने के लिए पाबंदियां लगाई जाती हैं और कुछ एप्स यूज करना अभी भी अलाउड है लेकिन यह आपका हक है कि अगर आपने कोई बात करनी है सो यू हैव गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके बाद आ जाते हैं राइट टू फेयर ट्रायल अगर कोई जुर्म हो जाए या कोई कत्ल हो जाए कोई गलती हो जाए कोई केस चलना हो तो राइट टू फेयर ट्रायल यानी ये आपका हक हाँ है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सको आप कोर्ट में जाकर अपने हक हाँ में लड़ सको और आपके लिए कोई प्रॉपर फैसला किया जाए ये सारे आपके राइट्स हैं देन राइट टू वोट right जैसे रिसेंटली अभी अमेरिका में भी वोटिंग चल रही थी सो दिस इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट सिर्फ मेल्स का नहीं फीमेल्स का भी एंड एवरी अदर सिटीजन एवरी मेंबर ऑफ आर कम्युनिटी हैज गॉट द राइट टू वोट देन राइट टू ओन प्रॉपर्टी ये आपका राइट right है कि आप कहीं पर अगर कोई जायदाद खरीदना चाहो कोई जमीन कोई प्लॉट एनी थिंग यू वॉन्ट टू बाय तो ये भी आपका राइट right है बट देन यू हैव टू फॉलो सर्टन स्पेसिफिक रूल्स कुछ प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से इसके अलावा भी बहुत से राइट दिए गए यू चार्टर में जैसे ये भी आपका राइट है कि आप खुद को डिफेंड करो अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाए या आप पर हमला किया जाए तो खुद को प्रोटेक्ट करना ये आपका राइट है इसी तरह और बहुत से राइट्स हैं जो यूएनओ के चार्टर में, में मेंशन किए गए बच्चों यहाँ पे हम अपना ये वाला लेक्चर खत्म करेंगे अच्छा होगा अगर आप यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ो आप पढ़ो कि यूएनओ के चार्टर में और कौन कौन से राइट्स थे जो हमारे लिए मेंशन किए गए आप देखो कि सिटीजनशिप की भी कितनी टाइप्स होती हैं। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज